बस एक मिनट लूँगा मतलब अब याद नहीं किस एज से बट आई डोंट नो सम हाउ एक वो आदत सी बन गई थी और आपको बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग भी भगवान जैसा माना है हमें बचपन से बताया गया है कि आप ये सीखो छोटों की रिस्पेक्ट करो बड़ों की रिस्पेक्ट करो और सबको साथ में लेके चलो डाउन टू अर्थ रहो वो हमने सिर्फ पढ़ा लेकिन सिखाया आपने है तो वो भगवान वो जो हमने मतलब मैं भोपाल शहर से हूँ सिर्फ आज आपको देखने आया हूँ पंद्रह साल से मतलब मेरे भोपाल में जितने दोस्त हैं सब मुझे जानते हैं कि मैं आपको भगवान मानता हूँ जब भी चेन्नई का मैच जीतती है मेरे घर पे सेलिब्रेशन होता है लोग मेरा केक लेकर आते हैं इस बार आपकी एक पिक थी सर जडेजा के साथ तो मेरे दोस्तों ने वो क्रॉप करके मेरे केक पर लगा दी तो वो मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था आपको इतना मैं हर साल सात जुलाई को वो अनाथ आश्रम जाता हूँ बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ आपकी आपकी जो मूवी रिलीज़ हुई थी आ, आपकी जो मूवी रिलीज़ हुई थी ऑब्वियसली बात है वो हम लोगों ने पूरा थिएटर बुक किया था पूरे भोपाल के एन को बच्चों को लेके गया था मैं आपके जब उस टाइम पे फ्रेंड थे अरुण पांडे सर उन्होंने भी कॉल किया था ट्वीट किया था उस चीज़ को मेरे को बोल नहीं पा रहा हूँ इससे ज़्यादा आगे मुझे सम में नहीं आ रहा अभी आपके पैर छुए उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था लाइफ में ये बेस्ट डे है लाइफ का एक बस क्वेश्चन जो अभी है कल एक संजय बांगर जी का छोटा सा ट्वीट आया था उन्होंने कहा कि आप 2019 वर्ल्ड कप पे आपको उन्होंने पहली बार बच्चों की तरह रोते हुए देखा था वो सच है कि आप जेनली उतना रोए थे नहीं इट्स इट्स अ हंड्रेड परसेंट फैक्ट एंड उसके पहले भी एक बार रो, रोया था दैट वॉज टू में जब टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लिया था तब तो ड्रेसिंग रूम में हुआ था ये एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इमोशन एक क्लोज गेम जब आप हारे हो एंड इन साइड मेरी प्लानिंग पूरी हो जाती है सो टू मी दैट वॉज द लास्ट डे आई प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया मैंने रिटायरमेंट एक साल बाद ली बट द फैक्ट वॉज कि दैट डे आई एड रिटायर्ड सो अब जैसे हम लोग के ना वो कुछ मशीन्स वगैरह दिए जाते हैं एन ऑल ऑफ दैट सो एवरी टाइम आई वेंट टू द ट्रेनर आई गिव इट बैक टू हम लाइक नो नो यू कीप इट अब मेरे मन में मैं इसको कैसे बताऊँ कि ये मैं अब ज़रूरत नहीं है आई वोंट भी यूजिंग इट बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू अनाउंस एट दट पॉइंट ऑफ टाइम सो या वेंस यू आर हाई ऑन इमोशन यू नो एंड यू नो

आप कॉमनवेल्थ में जाएंगे ओलंपिक्स में जाएंगे या हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाते हैं वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग सो वंस आई क्विट क्रिकेट दे वॉज नो वे आई वुड बी रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री यू नो आई मीन इंडियन सिटीजन एंड ऑल ऑफ दैट बट टू रिप्रेजेंट टू ब्रिंग सम ग्लोरी फॉर द कंट्री बैक सो ऑल थिंग्स यू आर हाई ऑन इमोशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपके, आपके दो साल पहले आपके बर्थडे पे लद्दाख गया था मतलब 2011 वर्ल्ड कप वाली जर्सी में पहन के पूरा मैं लद्दाख में अपनी बहन के साथ ही बाइक पे घूमा था तो जिस दिन आपका बर्थडे था उस दिन ग्रीन वाली वो मिलिट्री वाली पूरी जर्सी पहनी थी ट्राउज़र एंड जैकेट तो मेरे को मिलिट्री वाले ने रोका कि आप ये कलर पहन के नहीं घूम सकते मैंने बोला ये धोनी की टी शर्ट है मैं उनको वर्शिप करता हूँ तो मतलब अच्छा आप माही बाई के लिए मैंने हाँ आज उनका बर्थडे है तो मिलिट्री वालों ने मुझे जाने दिया कि ये माही बाई के लिए है तो आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और उन्होंने बकायदा वायरलेस पे आर्मी वालों को बोला आगे कि एक लड़का भाई की टी शर्ट पहन के एनफील्ड पर उसको रोकना मत तो वो आर्मी वालों के भी के दिल में आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट है वो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था थैंक यू सर आपने इतना कुछ बोल दिया अपना नाम तो नहीं बताया आपने सर एक अंशुल नाम है मेरा भोपाल से। थैंक यू सो मच अंशुल जी एक मैं बहुत लोग सर, वेट कर रहे हैं ये, है ये, ये बटालियन का जो सिंबल है बलिदान का बैच बलिदान का बैच और आपकी बर्थडेट और ये आपके सिंबल और भी काफी कराए मैंने आपके नाम थैंक 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 यू 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 सो सो मच मच। इसके, इसके बाद तो आप रोने लगोगे। हाय हाय सर। सर। सर सर एक। एक क्वेश्चन। डिजिटल वर्ल्ड एंड फिजिकली मीटिंग पीपल फॉर एग्जांपल आई एम ऑब्वियसली इन द ट्रेडिंग कैटेगरी एंड स्पेशली इन द ऑप्शंस कैटेगरी सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपन पब्लिक के साथ अगर हम लोग कम्युनिटी के साथ डिस्कस करते हैं एंड लेट्स इफ माई व्यू गो रॉन्ग व्यू गलत चला गया ऑब्वियसली पीपल विल फेस लॉस बिकॉज इट्स ट्रेडिंग एंड डिजिटली इफ समन इज कॉमेंटिंग आप क्या कर लोगे वो डिलीट कर दोगे या फिर यू विल जस्ट रिप्लाई बैक बट लेट्स से वैन वी मीटअप बिकॉज हमारे जो फिजिकल कभी मीटअप होते हैं देयर इफ समन सेज कि यार भाई तूने ये कहा था इट डेंट हैपन सो हाउ टू हैंडल दिस थिंग बिकॉज एट टाइम्स जब हम लोग सोशली एंगेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्टिवली एंगेजिंग और जब किसी को फिजिकली मिलना होता है दर इज ऑलवेज दिस थिंग की यार उस चीज़ को हम इग्नोर कैसे करें बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा हो लाइक यू नो इन इंस्टेंस नो मैटर कुछ भी हो एक पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है कि जीतना ही है तो लाइक दिस इमोशन थिंग डज इट हैपन एवर लाइक एक डर कभी होता है ऐसा तो कोविड के बाद से स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल एंड इन पर्सन काफ़ी चेंज हो गया था हम लोग भी काफ़ी इवेंट्स वगैरह करते थे जो कि हमने फिर जूम कॉल वगैरह पे किया सो नाउ द थिंग इज एवरीबडी प्रेफर्स डिफरेंट थिंग्स आई एम समबडी हु लाइक्स टू बी टॉकिंग इन पर्सन आई लाइक टू लुक इन टू द आईज ऑफ द इंडिविजुअल वैन आई एम स्पीकिंग दैट मी मोर कम्फर्ट और जहाँ तक आपने सजेशन्स के सही या गलत होने की बात की है तो आप वो स्टार मार्क तो देते होंगे ना डिस्क्लेमर का सेकेंड सो सेकेंड इज अगर मैंने ऑनेस्टली डिपेंडिंग ऑन माई लेवल ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मैंने कुछ सजेस्ट किया है द चांसेज ऑफ इट बींग राइट और रॉन्ग इज़ देयर सो दूसरे जिस बंदे को भी आपने बोला ही ऑल्सो नीड टू वे वेइन एवरीथिंग अदरवाइज तो सिंपल होता है अगर लक्ष्मण रेखा है पत्थर की लकीर है मैं बोलता है, ये ले भाई सौ रुपए ले तुमने बोला ये डेढ़ सौ हो जाएगा वापस दे दे बट लाइफ डजन गो लाइक दैट सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ यू नो यू हैव टू डू प्रॉपर रिसर्च एंड देन वैन यू आर सजेस्टिंग समथिंग एंड इफ इट्स नॉट अ बायस थॉट प्रोसेस इवन इफ इट गोज रॉन्ग यू कैन टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी वी डू द सेम थिंग वी ट्राई टू विन ईच एंड एवरी गेम वट एवर डिसीजंस वी टेक यू नो इट डजेंट ऑलवेज गो आवर वे बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज टू स्टैंड अप एंड टेक रेस्पांसिबिलिटी So that's what makes you a better human being and that's what equips you to deal with the same situation in a better manner. Thank you so much Mohit, why don't you pass the mic to this lady in green just one one, one, one minute, question, sir. One, We'll have to accommodate one, one question no, We will come back to you sir just, please. Just one no, requesting you sir please. Uh, myself Vijaya, and this is Sharad. we are the founders of Nirvana. Um, we mainly work in the field of well-being and spirituality, Adhyatma. So, my question is going to be on that as well. Uh, what is spirituality to you and do you have any active practice in your life uh, in that aspect? You know, I I'm am I'm a religious person. When it comes to spirituality, I don't do anything, you know, significantly that I follow all अगेन आई आई फॉल बैक टू आई कीप इट वेरी सिंपल यू नो आई ट्राई टू बी नाइस टू हुए इज अराउंड मी यू नो सवेरे मैं रूम से निकलिया उसके बाद जो भी मुला पहले मुझे हाउस हाउस कीपिंग वाले मिलेंगे फिर होटल के स्टाफ मिलेंगे अदर गेस्ट मिलेंगे आई हैव टू बी द सेम टू एवरी वन इट शुडेंट मैटर हु द पर्सन इज सो फॉर मी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सो दैट इज समथिंग दैट आई प्रैक्टिस आई डोंट प्रैक्टिस योगा आई एम नॉट सम्बडडी यू डज मेडिटेशन और एनी थिंग But I've kept life very simple. I'm very conscious of whatever is happening. I, I live in the present, so I'll be sitting here. I won't be thinking about anything else. If I'm I'm 100% So that is something that is important to me, and that is something that I follow. So you'll hardly see me do anything different. Thank you so much for your question. question. Yeah. Yeah, uh, so sir. Yeah. So. go on. Yes. Yeah. माई थैंक यू सो मच फॉर कमिंगयर एंड फाइनली वन ऑफ द माई बकेट लिस्ट दैट मीटिंग यूल सी यू इन लाइफ इज बीन फुलफिल्ड माई क्वेश्चन इज अबाउट योर लीडरशिप एंड एज एवरी वन इज फैसिनेटेड बाई योर लीडरशिप क्वालिटी एंड हाउ यू मैनेज द टीम आपने अजिंक के रहने से टी ट्वेंटी मैच करवा दिया जहाँ पे वनडे में स्लॉट नहीं बन रहा है सो माई मेरे फादर का नाम पारस है वो बोलते हैं कि मैं तो कहने के लिए पारों से बट ये बंदा असली में पारस है जिसको छूता है वो गोल्ड हो जाता है तो मुझे लगता है रिगी को भी अब कोई डर नहीं है आपने उसको छू लिया है तो गोल्ड तो हो जाएगा नहीं वी पर्सनली वी ट्राई टू मेक इट एज कंफर्टेबल फॉर द इंडिविजुअल यू नो शो हिम द पाथ टॉक टू हिम अबाउट हिज स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेटली अगर आप देखो तो

and that's why it's very important for them to be mentally tough. mental toughness is the key for that. but how, how do you identify that strength in an individual? i don't know I database, that i can show, in the sense, uh, you you know, observe, consciously, video analysis, i just see the individual. i've seen him long enough, you know, feelings but it's not there for some of the youngsters. so i like to observe. You know, initially, I'll see what he does, how he is, what is his character, how different he is. So, unless I know the individual, you know, it's very difficult. We have to suggestion, but it needs to be very specific. You know, one herd ko manage one So, we try to understand the individual first. Whatever his strength is, we try to use him according to his strength and at the same time, groom him around the weaknesses that he has got. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yes, sir. Um, hi. Yeah. Hi, my, my. Uh, I, I You definitely don't remember this, but I'm 21 right now. When I was around 12 or 13, we actually shot an ad together for a brand. I won't say the brand name, no free promotion. But uh, my question to you was, after winning the 2011 World Cup, that's the time that I was, you know, training to be a cricketer for India, you know, every Indian boy has that face. Once you went home, once all the celebration was over, you know you've had the trophy, you've taken the pictures, you've partied with the team. You sit down on your bed. What was there a thought in your head that you had that okay, I have made it or I have done it now? You know when you're alone, you're not talking to anybody, just yourself. Some thought. What were the thoughts going on in your head? You know, now that you have said the first time, that thought has come. <laughs> you know, I've never thought that way. I don't know why. So you know, World Cup hua, Two din ke baad we had to report for IPL. So it was more like you know, one thing is done, the next role and responsibility starts. So we just kept moving. So we never got the time to sit and think what has happened. We were very happy with what has happened. We were thankful to God because we had few red flags. You know that those red flags were not taken. You know, so we are thankful to the God. But other than that, we never. I personally never thought in any other way thank you thank you so there are much there're quite a few ladies who have raised their hands yes of course hello, can we pass the mic to sir, this ha. lovely lady who's literally been jumping and uh, ma'am i have never felt but so no revenge in my questions ah please yeah yeah sure hello dhoni this is urvi so my question to you is that oh, you know after these matches abhi world cup Children, we see that the coach gives away the medal to the best player of the match So award obviously ek hi player ko milta hai but the entire team cheers like the entire team has got the medal so, how do you, Virat, Rohit, all of you all as captains, maintain that team spirit that saath me equally joyfully cheer? Kare? Because uh, at Riggi, we are all becoming leaders of tomorrow. So, we would need that advice. I think what is important is to create that atmosphere. You know, it can't be faked. You know, you need an environment, you create an environment where everybody is happy. If I score a 50, I'll obviously be happy. But you need others in the team to be happy because you scored a 50. You know, so that's the perfect kind of environment, you know, that needs to be made and it takes time. Because again, you know, we have different set of problems. Somebody will be in form, somebody will be out of form, somebody may be injured, he'll be thinking about what are his chances of coming back into the dressing room. But ultimately, you know, what it boils down to is I mean, maybe fifteen different individuals plus the support staff, but we're representing India. We have one goal to win, try to win each and every game possible.

बोलिए <laughs> बोलिए मैडम इसके बाद आपसे पूछिए हाँ, सर सबके लाइफ में एक डाउन फेज आता है डाउन फेज या बैड फेज आता है उससे कैसे निकले मतलब कम कैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉगर हो सेटबैक से और मतलब मोटिवेशन ना टूटे लाइफ मतलब वहां पर जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के ना भागे उससे और अच्छे से कैसे निकले उस फेज से देखिए अगेन मैंने जो स्टार्टिंग से मैं बोलता आया हूँ हम लोग काफ़ी लोग आजकल ना मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है यू नो बट बचपन से जब आप एक स्पोर्ट खेल रहे होते या पढ़ाई कर रहे होते तो एक वो अंदर से वो फीलिंग रहती है कि मुझे कम्पीट करना है यू नो कॉम्पिटिशन इज द मेन थिंग क्योंकि जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते तो इज़ नो गारंटीड विनर कोई भी जीत सकता है बट yes. वो कॉम्पिटिशन होना चाहिए एंड जब आप कंपीट करते रहते हो करते रहते हो तो स्लोली आप क्या होता है ना वो मेंटली आप स्ट्रांग होते जाते हो एंड व्हाट इज़ मेंटल स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ टू सम एक्सटेंट इज़ वो बिलीफ होना कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मेरा जो जॉब प्रोफाइल है यू नो आई एम इक्विप टू हैंडल इट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा सिचुएशन चेंज होते रहेंगे बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट एवरी डे मैं क्या सीख रहा हूँ अगर मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ मैं दो घंटे अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आज के दिन पे मैंने किस चीज़ पे काम किया I don't want to go through the motion. That tick box. So a lot of people they come to the office, eight take a job or tick box, I went back. But if I'm supposed to be there for eight hours, I should learn something out of it. That curiosity needs to be there. You know that, that ethics needs to be there. And those are the things that help you become better and better. सर uh, अगर फेज uh, थोड़ा सा लंबा हो रहा है प्रोसेस आप स्टिक हैं डिसप्लिन में है फिर उसको हम कैसे ओवरकम करें मोटिवेशन उसमें टूटने लगता है उस समय कैसे प्रोसेस सही है देखिए uh, जो चैलेंज होता है जो टेस्टिंग होती है वो यही होती है एंड एंडस वाई सेडेप्टेबिलिटी इज द की हम एक प्रोसेस बना के फॉलो करते हैं यू नो बट इम्पॉर्टेंट है कि उसको रिविजिट भी करना इम्पोर्टेंट है बट देन आई शुड हैव इनफ डेटा बेस टू से नहीं ये यही सही प्रोसेस है बिकॉज अगर मैं ऐसे ऐसे जाता रहूंगा सो आई वोंट रीच द समिट जहाँ पर भी मेरा टारगेट है मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा एंड अलॉट ऑफ टाइम्स इन लाइफ कीपिंग थिंग्स सिम्पल रियली हेल्प जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं मान लो मैं आउट ऑफ फॉर्म है मैं बैटिंग करने गया कोई फास्ट बोलर बोलिंग कर रहा है सो ही बोल्स क्विक तो मैं बैटिंग करने जाऊँगा मैंने गार्ड वगैरह लिया उसके बाद यार ये बाउंसर डाल सकता है ठीक है पहला हो गया इसका यारकर अच्छा है या स्लोअर भी डालता है इसने स्लिप ली है तो हो सकता है इस तरफ डालेगा सो नाउ वट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग इट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स आई नीड टू कीप इट सिंपल क्रिकेट सिंपल गेम है वॉच द बॉल हिट द बॉल तो हेल्प ये होता है कि मैंने प्रैक्टिस की है सेकेंड मेरी बैटिंग आने से पहले मैं मैच देख रहा हूँ तो मुझे पता है कितना स्विंग हो रहा है विकेट पे कितना बाउंस है यू नो वट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द बोलर्स सो इन सारी चीजों से मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम इक्विप्ड टू डील विथ हिम So that's how you prepare yourself. Okay. Thank you, Abhay. Thank you so much. Last question, Ms. Chandrakar. Hi. No, don't say Ms. Chandrakar. My name is Sakshi. Sakshi loves Dhoni. Uh, so the question is this. <laughs> okay, my husband's name is Devendra. You are Mahendra. He's going to kill me today. <laughs> Let me mention this. Uh, so um, I'm a career coach, and in every master class I uh, give your example. Um, my first focus is to help all my professionals, job seekers, all these people to identify their niche, you know, to listen to their calling, to follow their dreams, and i make sure that i give your example. dream so my question to you is, for my community at large, how important it is to follow your dreams and not settle for, you know, whatever others decide for you? You know, I'll give you a very frank answer. You know, we we all have dreams and sometimes the dreams are actually unreal. So if you are a coach, you also need to address that. You know, imagine somebody coming to me and saying, you know, Muja India. Ke hai. and imagine if he is really good in studies and really bad in cricket. So now me as a coach or as a guardian, I have to tell him, you know, you may still play for India. There have been instances where cricketers देर बिकम इंजीनियर्स एंड देन देर प्लेड फॉर इंडिया बट वो जो लिमिटेड नंबर्स होते हैं ना यू ऑल्सो नीड टू सी द मेजोरिटी यू नो हम लोग कई बार जैसे अभी अभी तो आई पी एल आ गया बट बिफोर दैट पंद्रह लोग बीस लोग इंडिया के लिए खेलते थे बट नॉट मैनी पीपल यूज टू टॉक अबाउट जो लाखों लोग या मे बी करोड़ों लोग जो क्रिकेट ऑप्ट करते हैं बट खेल नहीं पाते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द मैन ऑनेस्ट गाइडेंस यू नो कि एज अ कोच यू विल हैव दैट डेटा और यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस यू नो टू सी वट इज हिज स्ट्रेंथ और हर स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंगली गिव हिम द ज्ञान एज टू वट नीड्स टू बी डन फ्रॉम हर साइड और हिज साइड क्योंकि हम सब का ड्रीम होता है यू you नो know, मैं बोलूँ कि नहीं यार मुझे तो अब लट से कि फुटबॉल में बहुत अच्छा बनना है एंड मे बी आई डोंट हैव दैट स्किल्स इन मी एंड अलॉट ऑफ टाइम्स यू नो मैंने भी यह कई जगह बोला होगा कि दे इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क बट हार्ड वर्क ऑल्सो नीड्स टू कम एट द राइट प्लेस यू नो मी वर्किंग हार्ड ऑन क्रिकेट विल गिव मी मोर रिजल्ट मी वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग दैट आई हैव नेवर प्लेड इवन इफ आई वर्क हार्डर ओवर देअर आई वोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट सो अगेन आई ऑलवेज सेट ऑनेस्टी इज द की सो एज एन इंडिविजुअल आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ आई नीड टू से कि अच्छा मुझे पता है भाई क्या होने वाला है I know how good I am and how good I can be. So honesty is also a key factor. So I wanted to understand, did you know it in your heart that cricket is the thing for you? No. You did not know about so that? So for me from a very early age I was it was for me it was more about abhi kya hai. So I never got disappointed when they didn't select me for other tournaments because I was not worried. I said, mere haat mein hai. I cannot be bothered about my selection.

कमिंग बैक टू ऑनेस्टी मेंटल स्ट्रेंथ दैट एबिलिटी टू ऑनेस्टली पोर्ट्रे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद द पोलाइटेस्ट ऑफ वर्ड्स कि बॉस ये आपसे नहीं हो पाएगा आप कुछ और करो सो दैट इज द थिंग सो दैट ही गोज बैक मोटिवेटेड एंड दे मे भी इंस्टेंसेज वेयर ही और शी मे प्रूव मी रोंग बट इट वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन लुकिंग एट वट एवर आई वॉज गिवन क्योंकि वो एक एक्सेप्शन के कारण मैं हजारों या लाखों दूसरे लोगों का लाइफ खराब करना नहीं चाहूँगा Thank you so much. Thank, Thank you, Sakshi. Hi, hi. 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 Mahi Thank you, Thank you Mahi. Sakshi. One okay. moment, one moment, please. One moment. One last question from the lady. Uh, oh, there she is. Hi, Hi Mahi ji. How are you? Aap logo ke inspiration of Who motivates you? Well, growing up, it was Sachin Tendulkar. We always looked up to him. And <clears throat> when we were growing up, you know, we are perfect. 81 K born in 81. We saw both the eras. मॉडर्न भी हम देख रहे हैं प्रीवियस भी हमने देखा है आजकल के लाइक जी वाई आई आस्क यू नो कि वट इज़ अ कैसेट शी डजेंट नो सो ऑल दो थिंग्स सो वी सॉ एवरी थिंग लिटरली सो हमारे समय में देवर नॉट अ लॉट ऑफ वीडियोज ठीक है टी वी पर मैचेज आते थे बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं आता था तो हम सबको गलत फहमी थी यार मैं भी सचिन की तरह बैटिंग करता हूँ देन द फर्स्ट टाइम एन आई सॉ माई वीडियो आर लाइक तू गली के जैसे ही बैटिंग करता है बट येस ग्रोइंग अप वी ऑल लुकड अप टू हिम यू नो एज अ क्रिकेटर एंड also the fact that when he made his debut, he was very young, so he was playing with people just say, coming from where i came, an underage ladaka, you know, badokesath kailra. so all those things, but it was very motivating to see him perform. and then when i started playing for india, for me, the biggest motivation was the country. you know, i know we lost games, we done badly, but, you know, we just wanted to do well for the country. amazing, amazing. thank you.